Hello, hello. फिर हाई कोर्ट के बाहर कर लेते चलो ये भी ठीक है, डाइस वाला ठीक है, लेकिन ये बाइक के पकड़ना मसला था। हर चीज का कोई तोड़ निकलता है, जुगाड़ साला का जुगाड़, जुगाड़ समझ लो, जुगाड़ नहीं चलता। सीधे हो जाए जी, सीधे हो जाए जी, चलो यार मेरे ख्याल ये हम नीचे भी बैठ जाए, सोफे पर हमने बैठ जाओगे। ये बाबर साहब इधर आए, बाबर साहब सब प्लीज, बाबर साहब इधर आए, बाबर साहब, बाबर साहब इधर आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो केसेस लगे हुए थे, एक केस था हरीश एंड कंपनी का, जिसके ऊपर ये एलिगेशन थी, एक हरीश एंड कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पैसे ज़्यादा थे दिए गए और उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। उस केस के ऊपर जो एलिगेशन जिस पर आगे ही रेफरेंस नंबर 5 ऑफ 2019 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल किया जा चुका है और उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब मुलजिम नहीं है, मगर उसके बावजूद भी एक कॉल अप नोटिस इशू किया गया नैब की तरफ से, जिसका जवाब कॉल अप नोटिस के अंदर आसिफ साहब अपियर भी हुए और उन्होंने कहा कि मेरा ना हरीश से ताल्लुक़ है और ना ये जो कॉल अप नोटिस है ये दिया गया है, ये एक मैलाफाइडी नोटिस है। इसके ऊपर हमने बेल बिफोर अरेस्ट आसिफ साहब ने ली जो आज लगी हुई थी, इस पर अभी तक नैब के कमेंट्स नहीं आए और ये केस 10 तारीख को सुनवाई के लिए चला गया है। उसके अलावा पार्ट हर्ड मैटर था जो के क्या कहते हैं, जो FIR रजिस्टर हुई थी कराची के अंदर, जिसका FIR का नंबर था 4 ऑफ 2018, उसके अंदर ये एलिगेशन ये थी कि ओमनी वालों ने, उनके जो मुलाजिम थे ओमनी वालों ने, उनके उन्होंने ये अकाउंट्स खोले डिफरेंट नामों के अंदर और उन डिफरेंट नामों के अंदर अकाउंट्स हुए, उनसे पैसे काफ़ी लोगों को गए और एलिगेशन ये थी कि जरदारी PVT लिमिट जो है, जरदारी ग्रुप PVT लिमिटेड को भी 1.5 करोड़ रुपया मिला है। बिलियंस ऑफ रुपीज़ की उस FIR में बात की गई मगर खाली 1.5 करोड़ की बात की गई कि 1.5 करोड़ उनके वो बेनिफिशियरी हैं।
उस एफआईआर के अंदर ना आसिफ अली जरदारी साहब का नाम था, ना फरियाल तालपुर साहबा का नाम था एज एन एक्यूज्ड। मगर जब इंटरिम चलान फाइल किया गया एफआईए ने, तो उसके अंदर आसिफ साहब का भी नाम और फरियाल तालपुर साहबा का भी नाम डाला गया और 1.5 करोड़ से रकम को 3 करोड़ कर दिया गया। और ये कहा गया कि ये 3 करोड़ रकम जो है ओवैस मुजफ्फर साहब के नाम उनके बैंक अकाउंट में जरदारी ग्रुप पीवीटी लिमिटेड ने ट्रांसफ़र की है और ये क्या कहते हैं कंसील करने की कोशिश की है। शायद उनको इलम नहीं ओवैस मुजफ्फर साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब के और मिसिस फरियाल तालपुर साहब के अडॉप्टेड ब्रदर हैं। वो बचपन से ही आसिफ साहब के घर में पले बड़े हैं। उन आसिफ साहब की वालिदा मोहतरमा ने उनको अपने बेटों की तरह पाला था और अगर उनके नाम कोई रकम गई है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है या क्या कहते हैं कोई ये पैसा छुपाने की बात की गई है। जहाँ तक 3 करोड़ का ताल्लुक़ है, ना जरदारी साहब ने ना आसिफ अली जरदारी साहब पर कोई ये एलिगेशन है कि उन्होंने इन अकाउंट्स खोलने के अंदर कोई मदद की हो या ये अकाउंट उनके अपने हैं, जबकि एफआईआर में ख़ुद लिखा हुआ है कि ये ओमनी ग्रुप्स के अकाउंट हैं, जो बेनामी अकाउंट्स हैं, या ये टैक्स इवेजन की वजह से उन्होंने बनाए या किस वजह से बनाए, उसका जवाब तो वो खुद देंगे। मगर एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने या मिसिस फरियार तालपुर साहबा ने इन ये अकाउंट के मालिकान हैं। अगर वो 3 करोड़ आए तो उन्होंने ये नहीं पूछा ये जो 3 करोड़ जिनके पास आए उन्होंने दिए क्यों दिए। आप सबको इल्म है कि आसिफ साहब भी और क्या कहते हैं जरदारी ग्रुप पीवीटी लिमिटेड जो है ये भी कि गन्ने के काश्त करते हैं, उनके गन्ने के खेत हैं और गन्ने की सप्लाई की जाती है। ओमनी ग्रुप जो है बेअंदाज़ा शुगर मिल्स की मालिक हैं। उन्होंने ये गन्ना ख़रीदा, उसके ऊपर उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हुए कि ये गन्ना हमारे पास आया है और ये गन्ने के पैसे थे जो उन्होंने दिए, बल्कि बेअंदाज़ा और पैसे हैं जो उन लोगों ने देने हैं। मगर ये तो वक्त बताएगा। मगर ये जो एफआईआर है और इंटरिम चलान है उसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या कहते हैं उन्होंने जो चेयरमैन नैब साहब ने दरख्वास्त दी कि ये एफआईआर को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस पर ये जो केस कराची में स्पेशल कोर्ट ऑफेंसेस इन बैंक्स में चल रहा था उधर से उन्होंने ट्रांसफ़र करके उन्होंने इस्लामाबाद भेज दिया गया। इसके खिलाफ अपील भी हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की हुई है ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, वो अभी पेंडिंग है। क्योंकि इस केस के अंदर जितने भी मुलजमान हैं वो कराची के हैं, जितने भी गवाहान हैं वो कराची के हैं, जितना भी रिकॉर्ड है वो कराची में है। तो ये बड़ा इनकन्वीनियंट है कि ये केस इस्लामाबाद में चले। मगर क्योंकि अदालत का हुक्म था और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ साहब और तमाम हमेशा हमने क्या कहते हैं कानून की बात मानी है, कानून की बालादस्ती की बात मानी है और इस हुक्म के साथ हम सब आसिफ साहब और उनकी बहन इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं। मगर इसके अंदर आज तक क्योंकि कानून के मुताबिक ये जो एफआईआर है और ये जो चलान है ये रेफरेंस बन गया है, इसको रेफरेंस नंबर 2B 2019 का दे दिया गया। हमारी बेल पिटीशन जो है अभी पेंडिंग है। हमारा मौक़िफ है कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट के नीचे, ये ऑर्डिनेंस के नीचे ये जो एफआईआर है इसके जो एलिगेशंस है वो नहीं आती हैं। इसमें ना कोई नेशनल एक्सचेकर इन्वॉल्व है, ना मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व है, ना हुकूमत का या सरकार का के पैसे के ऊपर खुर्दबुट की गई हो या कोई फ़ायदा पहुंचाया गया हो, ये क्या कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी इस पर बहस जारी है, मैंने अपनी बहस मुकम्मल कर दी थी। आज भरवाना साहब ने जो कि प्रोसिक्यूटर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने भी अपनी बहस मुकम्मल की है। मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कुछ और अपने दलाइल को आगे लेके चलना है तो जज साहब ने 10 तारीख दी है, 10 तारीख को मैं इसका रिप्लाई भी दूंगा और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा होल्ड ऑन, बिफोर आप सवाल पूछ लें, बेशक मैं सिर्फ एक वजाहत ये कर दूं कि चूंकि हाई कोर्ट में भी केसेस हैं और नैब अदालत में भी है और हमारे चेयरमैन साहब नैब दफ्तर भी जाते हैं तो एक बाज़ अवकात एक कन्फ्यूजन सी होती है और खुद मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट हाई कोर्ट में क्या है। तो आज जो हमने रिक्वेस्ट की फारूक नाइक ने जो आपसे टॉक की है इसका मकसद सिर्फ ये था कि ज़रा ये जो कन्फ्यूजन हो इसको सॉर्ट आउट किया जाए कि कौन कौन सा केस है और वो फारूक
क्योंकि उन्होंने काफ़ी केसेस के अंदर कॉल अप नोटिस देखें, ये मैटर भी सब ज्यूडिस हैं, बाकी मैटर भी सब ज्यूडिस हैं कोर्ट्स के अंदर, मैं इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि सब ज्यूडिस मैटर्स के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। मैं खाली आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ क्या है। और भी कॉल अप नोटिस इशू हुए हैं इस वक्त, मैं हमारी जो बेल पटिशन्स हैं 8 बेल पटिशन्स जो हैं आसिफ साहब की पेंडिंग हैं, 2 बेल पटिशन्स जो हैं अपने मिसिस फरियाल तालपुर की पेंडिंग है, दो बेल पटिशन्स उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी पेंडिंग है, 1 बेल पटिशन्स जो उनके टैक्स कंसल्टेंट हैं उनकी पेंडिंग है। तो ये सारे मिल मिला के ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये आगे चलेंगी और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा और अल्लाह ताला हमें खुश आज की हेयरिंग में जो आईओ थे उनकी काफी जो है वो क्लास ली गई अदालत की जानिब से और हाई अप्स को भी बुलाने की बात की, वो क्या बात हुई, वो क्या कहना चाह रही थी अदालत और क्या हुआ? देखिए अदालत उनसे क्वेश्चन कर रही थी, अदालत जाने, दिस इज बिटवीन द कोर्ट एंड द आईओ, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स। थैंक यू काम की बात है।